हवा में उड़ना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। एज यू नो ऑनलाइन क्लासेज आर कमेंस्ड ड्यू टू सर्टेन वेकेशंस, सो दिस इज द लेक्चर 1। सो टेक आउट योर ग्रामर्स एंड ओपन पेज नंबर 155, चैप्टर नंबर 29, वोकैबुलरी। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी नीड टू नो व्हाट वोकैबुलरी इज। सो वोकैबुलरी इज़ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज यू नो एंड यूज टू कम्युनिकेट। आपके पास जितने भी वर्ड्स होते हैं जो आप कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए यूज़ करते हैं, वो सारी आपकी वोकैबुलरी होती है। एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दी हुई है, योर वोकैबुलरी इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक हेलो, फ्रेंड, हैप्पी एंड थाउजेंड मोर। ठीक है, जैसे आप हेलो यूज़ करते हैं, फ्रेंड यूज़ करते हैं, हैप्पी और इस तरह के हज़ारों लफ्ज़ और यूज़ करते हैं, तो ये सारे लफ्ज़ आपकी वोकैबुलरी हैं। द फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। एक दफ़ा मैं फिर से बता दूँ, सिनोनिम इज़ अ वर्ड और एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसिज अ मीनिंग सिमिलर ऑफ डैट एंड अदर वर्ड और एक्सप्रेशन। यानी ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हैं, वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। और अगर वो ऑपोजिट मीनिंग्स रखते हैं, यानी वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, जैसे हैप्पी एंड सैड, तो वो एंटोनिम होगा। अब ये साइड पे देखें, यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में उन्होंने लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग द मोस्ट सूटेबल सिनोनिम्स और एंटोनिम। कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड। जब भी आप किसी वर्ड के लिए कोई सिनोनिम या एंटोनिम लिखना चाह रहे होते हैं, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि आप सूटेबल चीज़ वहाँ लिख सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नीचे जो लाइन्स दी हुई हैं ना एग्जाम्पल से नीचे, वो देखें, वैन यूजिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वी शुड यूज़ वर्ड्स विच बिलोंग टू सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपको पता ही है, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी इसी में आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने बात यहाँ पर क्या की है कि जब आप किसी वर्ड के लिए सिनोनिम चूज़ करते हैं, तो वो सेम ही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। जैसे अगर आप देखते हैं कि कोई वर्ड अगर नाउन है, तो उसके लिए जो सिनोनिम या एंटोनिम चूज़ करेंगे ना, वो भी नाउन ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम डिफ़िकल्ट के लिए ईजी यूज़ करते हैं, तो ये दोनों एडजेक्टिव्स ही हैं। अब ए वाला देखें, ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलो कंटेन सिनोनिम्स, अंडरलाइन द ओल्ड वर्ड्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वन लिखा है ना, तो इसके आगे सिक्स वर्ड्स हैं, तो ये सिक्स सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनमें से एक अलग है, ओल्ड वर्ड लिखा हुआ है ना, यानी इनसे अलग है। ये बाकी सब सिनोनिम्स हैं, जो एक डिफरेंट होगा आपने उसको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट वाले में देखें, एरोगेंस, बूस्टिंग, वैनिटी, इगोटिज़म और कंसीट, ये सब क्या हैं, ये सब प्राइड के लिए यूज़ होते हैं ना, लेकिन ह्यूमिलिटी इसमें से डिफरेंट है, तो ये ऑड वर्ड है, तो इसको आपने अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट आप देखें, ओबे, कंप्लाई, ऑब्जर्व, यील्ड, कंसेंट, इन सब का क्या मतलब होता है, एग्री करना किसी की बात से, मुत्तफिक होना। लेकिन इग्नोर क्या होता है, इग्नोर तो होता है कि आपने उस बात को देखा ही नहीं, उस पर अमल ही नहीं किया, तो ये उनसे डिफरेंट है ना, इसलिए इसको अंडरलाइन किया। इसी तरह से नेक्स्ट पे, जैसे हार्मफुल, स्पाइटफुल, विंडिक्टिव, ये सब क्या हैं, इन सब का मतलब तो यही है ना कि जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो इनमें से मैंने अंडरलाइन किया उसका मतलब होता है जेंटल, यानी वो नुकसान दे नहीं होता, तो इसलिए उसको अंडरलाइन किया हुआ है। फोर्थ में देखें, सारे वर्ड्स जो हैं वो अगली का मीनिंग ही दे रहे हैं, लेकिन डेलिकेट उनसे डिफरेंट है, तो आप उनको अंडरलाइन कर देंगे। फिफ्थ वाले में जैसे लिटरेट, लर्नेड और स्कॉलरली, एजुकेटेड, एरोडाइट, ये सारी चीज़ें पढ़े लिखे शख्स के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इग्नोरेंट यानी जाहिल, तो वो उनसे अलग है, अनपढ़। ठीक है, नेक्स्ट वाले में एक्सेप्ट, कंसीड, एडमिट, कन्फेस, ग्रांट, इन सब का मतलब होता है एग्री करना, लेकिन डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट, तो उसको आपने अंडरलाइन कर देना है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल डिस्कस होमोफोन्स इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।